देश में इतना कुछ बीत रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसी बड़ी घटना हो गई। भारत जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच हार गया। इस बीच महाराष्ट्र में एक ऐसा विवाद पैदा हो गया है जो अलग ही लेवल पर जा चुका है। ये सारा विवाद हुआ है मराठी राबड़ी देवी को लेकर। ये कौन है, किसने कहा है और क्यों कहा है, या मामले में पुलिस कैसे कूदी और सियासत की केंद्र में ये कैसे आया, यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनिए कि ये मामला क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सर्जरी हुई है, जिसके बाद से वो पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं है और विधानसभा के सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। इसके बाद ऐसी बातचीत होने लगी कि उद्धव की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को सीएम बनाया जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी जितेन गजारिया ने रश्मि ठाकरे की तस्वीर ट्वीट कर ये लिख दिया, मराठी राबड़ी देवी। इस ट्वीट के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और जितेन को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया गया। जितेन के ऊपर हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद मामले ने तूल पकड़ा और सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए पूछा कि क्या राबड़ी देवी कहना अपमानजनक है, तो वहीं बात बिहार तक भी पहुंची और आरजेडी नेताओं ने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। मामले में लगातार शिवसेना की तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। तो लब्बुलुआब ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठी राबड़ी देवी ने तहलका मचा रखा है। इससे पहले भी एक बार कुछ ऐसा ही विवाद पैदा हो गया था, जब एक ट्विटर यूजर समीत ठक्कर ने आदित्य ठाकरे को पेंगुइन बुलाया था। इसके लिए समीत ठक्कर पर केस भी दर्ज हो गया था।